गुड मॉर्निंग सनरेखा प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रेवल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अक्सर देखे हैं, यूज भी किए हैं, डिवाइडर यूज भी किए हैं, डिवाइडर तो यह भी क्या है, डिवाइडर है, डिवाइडर की भांति कार्य करता है। यह भी क्या करता है, डिवाइडर की भांति कार्य करता है। लेकिन हम लोग डिवाइडर के द्वारा जितनी बड़े व्यास खींच सकते हैं उससे कई गुना बड़े व्यास वाला ब्रिज खींच सकते हैं, या जब को मार्किंग कर सकते हैं, या सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब सेंटर निकालेंगे तो उस समय छोटे बड़े व्यासों का या छोटे बड़े व्यास लेकर डिवाइडर के द्वारा हम सेंटर निकाल सकते हैं। तो चलिए जैसे ट्रेवल, इसको हम सबसे पहले परिचय जानेंगे कि ट्रेवल किसको बोलते हैं। इसका प्रयोग बड़े साइज के ब्रिज व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। देखिए यहां पर जैसे कि दिया हुआ है, बड़े साइज के ब्रिज या लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। बड़े साइज का ब्रिज भी ले सकते हैं, साइज का ब्रिज या चाप मार्किंग करने के लिए किया जाता है। कम से कम कितना, ये बीम का साइज रहता है, ये जो बीम है यहां पर देखिए लिखा हुआ है सॉलिड बीम। इस सॉलिड जो बीम है, इस सॉलिड बीम के साइज के अनुसार, साइज के अनुसार हम लोग ब्रिज या चाप लेकर मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें हमने बोर्ड पे लिखा है 15 सेंटीमीटर से 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर, 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक हम लोग व्यास को खींच सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ट्रेवल जो है इसमें बीम का कारनामा बहुत ही बड़ा रहता है। बीम और इस बात को बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू, क्या बोलते हैं, इस बात को क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, इस बात को एडजस्टिंग स्क्रू नट बोलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पर इसको बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू नट बोलते हैं। स्क्रू नट है ना, एडजस्टिंग स्क्रू नट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बीम के साइज के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बड़े बड़े ब्रिज खींच सकते हैं, मार्किंग का चाप लेकर मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के औजार को क्या कहते हैं, ट्रेवल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रेवल कहते हैं। जैसे हम लोग डिवाइडर के द्वारा भी हम मार्किंग कर सकते हैं, डिवाइडर के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो इसका बनावट में देखेंगे, हम बनाने के पर आएंगे कि बनावट किस टाइप का रहता है। ठीक है, बनावट में आएंगे किस टाइप का रहता है बनावट। इसकी बनावट में एक स्टूल स्टील रूल की रड, ठीक है, ये आपको देखिए सॉलिड जो रड है ये स्टील का होते हैं, हाई स्टील स्टील या ग्रेडियम स्टील का रहता है। ठीक है, ये सॉलिड रहता है, यानी कोई इसके बीच में खोखला नहीं रहता, ये पूरा बीम सॉलिड रहता है। तो ये जो बीम है ये सबसे पहले इसको लोग जान लेंगे, उसके बाद इसको फिर डिस्कशन करेंगे। ये सॉलिड रड की बीम होती है जिसको बीम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो ये ट्रेवल क्या है, अप्रत्यक्ष मापक के अंदर देखिए नीचे हम क्या एक स्केल भी हम लोग दर्शन सेंटीमीटर माप
आपने स्केल मान लीजिए बी में आपको कोई मिलीमीटर में सेंटीमीटर में इंच में कोई भी इसमें अंकित नहीं रहता, मतलब उसमें कोई भी इसमें मार्किंग किया हुआ चिन्ह नहीं है, तो ऐसा स्थिति में क्या करना पड़ता है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जैसे कि अपवर्तक मापक यंत्र के बारे में, इन साइड कैलिपर आउट साइड कैलिपर उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं। तो उसमें देखिए हम जैसे कि इन साइड कैलिपर में मापने के तुरंत बाद क्या होता है, माप उसको पता नहीं चलता है। आउट साइड कैलिपर में भी मापने के तुरंत बाद माप पता नहीं चलता है। जैनी कैलिपर में भी मापने के तुरंत बाद माप पता नहीं चलता है। और डिवाइडर में चाप लेने के लिए मार्किंग करने के लिए हम लोग मापने के तुरंत बाद माप पता नहीं चलता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ न कुछ मार्किंग की हुई स्टील रूल या मापक यंत्र का यूज करके क्या कर सकते हैं उसको, जैसे कि पॉइंट होगी ये पॉइंट होगी पॉइंट के बीच बीच में जैसे कि हम लोग इसको रख के जितना मेरे मार्किंग में रहेगा चिन्ह में रहेगा लकीर में रहेगा उसके अनुसार उसको हम लोग साइज को बता सकते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग माप एक प्राथमिक माप ले सकते हैं और वे जान भी सकते हैं और ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एक बीम है इसके ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं, देखिए यहां दो हेड फिगर देखिए फिगर यहां इधर से एरो से बना हुआ है दो क्या है हेड स्लाइडिंग हेड होते हैं जिनको इस पर इधर उधर खिसका जा सकता है। ये जो हेड है इस हेड में क्या कर सकते हैं हम लोग बीम में इसको साइज के हमारे अनुसार आपके कार्ड के अनुसार ड्रॉइंग के साइज के अनुसार इस बीम में हम लोग टनल जो इसका लेग होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, मतलब घिसका के स्लाइडिंग करके, ठीक है, कि इधर उधर हम घिसका सकते हैं और इसको एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा यहां जो है एडजस्टिंग स्क्रू ये एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं हम लोग एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा क्या करते हैं हम लोग इसको हम लोग लॉक कर देते हैं ये एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू इन नट्स, ठीक है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ क्लेम कर सकते हैं बांध सकते हैं, मतलब ये बीम में इसको लॉक करने के बाद आगे पीछे नहीं होगा, क्या नहीं होगा आगे नहीं पीछे नहीं होगा, जहां पर उसको एडजस्टिंग करना है जहां पर उसको मतलब बांधना है उस जगह में बांध कर इसको हम लोग ये कर देंगे टाइट कर देंगे तो बिल्कुल ये आपका दोनों जो लेग है पैंट है एक निश्चित जगह में वो खड़ा हो जाए और उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं बड़े से बड़े दिल खींच सकते हैं और चाप लेकर उसको मार्किंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चाप लेकर हम लोग मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं जिनको इधर उधर क्या घिसकाया जा सकता है इन स्लाइडिंग हेडों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट, यहाँ पे क्लैंपिंग नट, ठीक है, ऑलरेडी बिल्कुल हम ये कर लिए ये ऊपर वाला लुकिंग नट है क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट के द्वारा क्या कर सकता हूं क्लैंपिंग नट के नट लगे होते हैं स्लाइडिंग हेड को साथ साथ स्क्राइबर फिट रहता है, किसी किसी ट्रेवल में एक स्लाइडिंग हेड के साथ क्रिया भी जुड़ा होता है, किसी किसी ट्रेवल क्या स्लाइडिंग हेड के साथ एक क्रिया भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, क्या रहता है जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा होता है क्रिया जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा फाइन एडजस्टमेंट भी किया जा सकता, मतलब अच्छे से अच्छे इसको क्या कर सकता हूँ फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फाइन क्या कर सकता हूँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यह किया जा सकता है क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट स्क्रू भी फिट रहता है, देखिए एडजस्टमेंट स्क्रू है या एडजस्टिंग स्क्रू या एडजस्टमेंट स्क्रू है इसको भी फिट रहता है, स्लाइडिंग हेड को क्लैंपिंग नट की सहायता से कभी कभी माप के अनुसार कसा जा सकता है, मतलब जितना साइज बढ़ेगा
ये आपका मान लेते कितना ऑलरेडी हम लोगों का कितना दिया हुआ है इसमें 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर यानी कितना 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर यानी ये आपका 15 सेंटीमीटर को हम लोग एमएम में ये करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा 500 हो जाएगा, यानी 500 मिलीमीटर का हम लोग क्या बड़े से बड़े ग्रिड या चाप लेकर मार्किंग कर सकते, ये चाप की ठीक है किया जा सकता है। और नट बीम की सहायता से माप का अनुसार इसको कसा जा सकता है और केरियर की सहायता से इसको फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर भी माप को स्टीरूल से लिया जा सकता है, इस पर क्या स्टीरूल माप पर देखिए आपको क्या है स्टीरूल माप से इसे क्या कर सकते हैं हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग ले सकते हैं है ना। तो हम लोग इसको सबसे पहले आएंगे फिगर पर, फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये फिगर देखिए इसको नाम जानिए सबसे पहले, ये आपका क्या है सॉलिड बीम है ठीक है, ये अब एक साइड इसको लेग बोलते हैं ना, ये आपका पॉइंट है इधर एक लेग हो गया इधर एक ये बना हुआ है, ये आपको इस बात को हेड बोलते हैं, ये क्लैंपिंग नट बोलते हैं, इसको हम लोग क्लैंप कर सकते हैं, इसको हम लोग इसे क्लेम कर सकते हैं, क्लैंपिंग नट हो गया, ये दोनों क्या है क्लेम नट हो गया है ना, ये आपके दोनों लेग जैसे हम लोग डिवाइडर इस तरह के बनाते हैं तो इस तरह के बनाते हैं, तो ये एक लेग हो गया और इसको क्या बोलते हैं दोनों को लेग बोलते हैं, लेग बोलते हैं, तो इसीलिए एडजस्टिंग स्क्रू आता है, एडजस्टिंग स्क्रू आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं जितना मतलब खोलने की आवश्यकता होती है या थ्रेड बनाते रहते हैं जितना खोलने की आवश्यकता था खोल कर क्या कर सकते हैं ब्रिक खींच सकते हैं मार्किंग कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा ज्यादा नहीं कर सकते इसको यहां से ना स्क्रू का सामने ये एडजस्टिंग स्क्रू जाता है वो जितना बड़े साइज का होता है, ये जितना बड़े साइज का होता है उतना हम खोल सकते हैं, तो उसी तरह का ये आपका बीम जितना बड़े साइज का होता है उस बीम के अनुसार इसको हम लोग क्या प्रोग्राम को भी बड़ा साइज बनाकर हम लोग मार्किंग ठीक है। और ये आपका बीम के ठीक सम्मुख भाग क्या है एडजस्टिंग का, इसमें क्या करते हैं हम लोग इस एडजस्टिंग के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं क्लेम करने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग एक ब्रेक या क्या चाप लेकर खींच सकते ठीक है खींच सकते और काम होता है उसको हम पूरा करते इस प्रकार के डिवाइडर क्या ट्रेवल का, इस प्रकार के डिवाइडर क्या ट्रेवल का, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नोट करके आप लोग फायर को उतार लीजिएगा, कभी भी आपका आवश्यकता होगा जरूरत पड़ेगा तो इसको आप लोग कॉपी का पन्ना पलट कर आप पुनः अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप लोग घर में सकुशल रहें पढ़ाई पर ध्यान दें, धन्यवाद।